दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली आबकारी नीति, कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सिसोदिया की जेल से बाहर आने पर राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को न्याय मिलेगा, साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। वहीं अखिलेश ने इस दौरान नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतने पर भी बधाई दी, तो वहीं वक्फ बोर्ड पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर बड़ा हंगामा, जब वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है सरकार, सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है, नीरज चोपड़ा, मैं नीरज चोपड़ा को बधाई देता हूं और हमें उम्मीद थी कि शायद वो गोल्ड लेकर के आएंगे, लेकिन कंपटीशन दुनिया के बीच होता है, तो अगर वो सिल्वर लाए, हमें उम्मीद आने वाले समय में भारत के कुछ न कुछ खिलाड़ी ऊंचाई तक पहुंचेंगे। बहुत बधाई। विनीश फोगाट के मामले को हरीश साल में रखेंगे, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं अभी, लेकिन केस तो लड़ना ही चाहिए, केस तो लड़ना ही चाहिए, क्योंकि जो गोल्ड पा सकती थी बेटी वो गोल्ड नहीं पाई। सर, स्पीकर के अधिकारों को क्या कंटेल किया जा रहा है, जो मुद्दा आपने कल उठाया? ये जिम्मेदारी चौथे खंबे की भी है, ये जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों की भी है, किसी वजन से न दबें, वो भी सच बोले। मामला क्या है सर, मामला क्या है, आप मुझे दिलचस्पी बढ़ा दीजिए, ये उम्मीद है कि आप लोग भी उसमें सहयोग करोगे। उधर आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया है। उधर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है, इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा गया था। मनीष सिसोदिया को साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया, क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से एक रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनका कोई, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही, आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर, बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक ड्यूटी भी अपनी कर पाएंगे अगर उन्हें, तो क्या उनके सरकार में शामिल किया जाएगा आपके साथ? अब उसके आने दीजिए, उसके बाद आगे का निर्णय लें। के लिए कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत बड़ी राहत है, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए, और सब कुछ बहुत आगे अच्छा होगा और जल्दी ही हमारे दोनों बाकी नेता भी बाहर आएंगे। बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली में शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में वो आरोपी हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद से वो जेल में ही बंद है। वो 530 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि जमानत के दौरान उन्हें कई शर्तों का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है ताकि वो विदेश न भाग सकें और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सकें, जिससे ईडी या सीबीआई की जांच प्रभावित न हो। बता दें कि दोनों एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।